छात्र छात्रा ने कोल्ड ड्रिंक के अंदर शराब पिलाने को एक मामलो है वो सामने आयो है। पूरी शिक्षक बिरादरी सवाल गेरा में आगे खड़ी हो चुकी है। मैंने उन लड़कियों को नहीं, मैंने मेरी खुद की बेटी को शराब परोसी है। और यहाँ अगर हमने देखा तो जहाँ प्रोग्राम गाने बजाए गए, कैमरे हैं जो लगे हैं वो ऊपर किए हैं, अभी भी ऊपर हैं। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। हनुमानगढ़ जिले के भादरा तहसील के गांव भाड़ी के अंदर सरकारी स्कूल के अंदर एक बड़ा ही शर्मनाक मामला है जो सामने आया है। बता दूं, सरकारी स्कूल के अंदर 12वीं क्लास की विदाई पार्टी को कार्यक्रम हो और भी विदाई पार्टी के अंदर छात्र छात्रा ने कोल्ड ड्रिंक के अंदर शराब पिलाने को एक मामला है वो सामने आया है। मामले की संज्ञान जी ग्रामीणों ने पढ़े तो ग्रामीण है जो आक्रोशित हो उठा और स्कूल के अंदर है जो प्रदर्शन करेगा। बिग बाद के अंदर शिक्षा विभाग है, एक महिला शिक्षिका समेत 3 जना ने APO है कर दिए गए हैं। अभी पूरा मामला के अंदर शिक्षा विभाग है जो जांच कमेटी है वह भी गठित करी गई है और APO करने के बाद के अंदर जो और जो संभव जो कार्रवाई है वह कार्रवाई करी जाएगी। बता दी थाने पूरा प्रकरण के अंदर जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है रामानुज भारद्वाज बे है जो जांच करने सुबह स्कूल के अंदर पहुंचा और जी हाँ ही स्कूल के अंदर बे जांच करने पहुंचा तो ग्रामीण है जो भाड़ी गांव का ग्रामीणा ने भनक लागी और ग्रामीण भी मौके के ऊपर सागे स्कूल के अंदर पहुंच गया। बीच ने देख के कानून व्यवस्था बनी रहे की तरीके की अशांति ना फैले और शिक्षिका के सागे कोई मारपीट ना हो जाए या स्कूल के अंदर कोई तोड़फोड़ ना हो जाए, शांति व्यवस्था बनी रहे, बीच ने लेके पुलिस को है जो जाप्तो है वो भी बड़े बुलाए गए और पुलिस है चप्पा चप्पा के ऊपर स्कूल के अंदर तैनात करवा दी गई। पुलिस की मौजूदगी के अंदर ही स्कूल के अंदर जांच करी गई सारी। जो मास्टर जिन्होंने APO करेंगे बंग मुख्यालय है वो भी बदले गए हैं। अब सारू बड़ी बात एक अंदर आ है कि स्कूल एक शिक्षा को मंदिर जठा पा स्कूल के अंदर अपना बच्चा ने पढ़न भेजा कर आपा बटे अपना पतो लागे कि अपना बच्चा स्कूल के अंदर शराब पी के आवा लग रहा तो माता पिता के ऊपर के गुजरेगी, माता पिता के ऊपर के बीतेगी। शराब है जो अंदर चल गई शिक्षा के मंदिर के अंदर और मास्टर ने भनक भी कोनी हुई वो भी एक तरीके वहाँ पर केस कहा जो जो बैठा को प्रशासन है स्कूल प्रशासन बांगो सारू बड़ो फेलियर है। हो सके तीनों मास्टर निर्दोष हो ये शराब ना भी लेके आए कल कोई बच्चों शरारत कर दी हो या कोई और शरारत कर दी हो की तरीके की बात हो तो शिक्षा विभाग ने जांच करनी चाहिए और जी यहाँ जांच है जो खत्म होगी कद भी खत्म होगी बी के बाद के अंदर पूरा मामला को पटापेक सौंपा होगा का कि स्कूल के अंदर दारू लेके आना रो बंदो हो कुण और यहाँ अगर हमने देखा तो जहाँ प्रोग्राम इसलिए गाने बजाए गए क्यों यहाँ पंचायत का काम चल रहा है पीछे। अच्छा कैमरे हैं जो लगे हैं वो ऊपर किए हैं अभी भी ऊपर है। अपा टीचर को जो पक्ष है वो जानेगा। हेलो गुरुजी झलको हनुमानगढ़ चैनल बात कर रहे हूँ आशु रिपोर्टर। गुरुजी वो जो अभी होयो है आजकल के अंदर जो प्रकरण होयो है थर गांव में भी सरकारी स्कूल के अंदर भी मैं थर पर भी नाम लगा ला रहे और थाने भी APO करे गए हैं। जितने भी आरोप लगे गए सर जांच कमेटी भी बैठ गई है, जांच कमेटी रिपोर्ट आनी बाकी है लेकिन पूरी तरह से निराधार है सर। ऐसा कोई भी करते स्कूल के अंदर नहीं हुआ कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर बच्चों को शराब परोसी गई थी। अच्छा कोल्ड ड्रिंक में बच्चा टाबरा ने शराब को नहीं परोसी गई सर, 1% भी इसमें संभावना नहीं है। मैं यूं कह रहा हूँ पूरी तरह से निराधार आरोप लगाया गया सर। मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं एक टीचर हूँ और एक शिक्षक समाज से होकर मैं बच्चों के साथ उन बच्चियों के साथ जिनके सामने मेरी नजरें एक बाप के समान एक पिता तुल्य होती है उनके कैसे परोसी जा सकती है सर। आप तो गुरुजी अब जिया की थे बोला लग रहे हो कि मैं एक शिक्षक हूँ मेरे खतरा ये चीजें सोचनी भी बड़ी शर्म की बात है। तो गुरुजी इसके अंदर की शरारत की उसके पिछले 8.5 साल की मेरी जॉब हो गई भाटी में और मैं वास्तव में मुझे बहुत प्यार प्रेम मिला था पीछे भाटी गांव में भी। मैंने बच्चों को भी अच्छा संस्कार भी देने की कोशिश की थी, बच्चों को भी अच्छा मेरे पढ़ाई भी करता था। अभी मैं आपसे दूर रहूंगा आप खुद आके स्कूल के अंदर बच्चों से आप खुद बयान ले लो जी 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 आप बच्चों के प्रति मेरा कैसा नजरिया था। तो गुरुजी फिर खटे कमी खट रही है बता शराब पहुंची किया तो कोल्ड ड्रिंक में शराब किया मिली सरपंच प्रतिनिधि ही बता सकता है। मैं तो मेरी कमी उजागर नहीं करूंगा। जांच कमेटी बैठी है ना उसकी रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रिपोर्ट क्या पेश करती है हम गलत है तो हमें सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी एक चीज मेरा अंतिम सवाल वो है थे मैंने बस सिर्फ इतो बता दियो कभी कोल्ड ड्रिंक के अंदर शराब पाई गई ही या कोनी पाई गई। सर एक मैं यूं कह रहा हूं बच्चे एक दो
लीटर की कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, उसको हमने जब्त कर लिया था और वो कोल्ड ड्रिंक मेरे स्कूल में है और उस कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट किया गया था आज जांच अधिकारियों के द्वारा और उन्होंने ये कहा था कि ये कोल्ड ड्रिंक को आप तब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इसको अंडर कस्टडी रखेंगे। अगर मैंने विद्यालय की छात्र छात्राओं को शराब परोसी है या विद्यालय में शराब किसी भी कार्मिक के द्वारा परोसी गई है ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ मैंने उनकी लड़कियों को नहीं, मैंने मेरी खुद की बेटी को शराब परोसी है। मैंने जिस दिन पार्टी का आयोजन किया गया था उसमें से कुछ 5-4 बच्चे, मैं तो नहीं कह रहा हूँ लेकिन गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि इन बच्चों ने शराब पी होगी। हम उनकी बात के आरोप को स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ उन्होंने शराब पी होगी और मैंने उनको कहा था कि आप जांच करवा लीजिए, हम आपके आरोपों को जीरो नहीं कर रहे, आपके आरोप सिर माथे हमारे ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं लेकिन जाँच तो नहीं है ना, उनका मेडिकल टेस्ट करवा लें, उनके बच्चों से खुद से पूछ लो। जबकि कल जाँच रिपोर्ट आएगी ना, उस जाँच रिपोर्ट के सामने बच्चों को पेश भी नहीं होने दिया, उनके बयान दर्ज भी नहीं होने दिए सर। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मारो फर्ज हो थारो पक्ष जानने को। तो देख पावला रहे हो ये अपना सागे जो शिक्षक है बेहा जिना पर आरोप लागे है, दो शिक्षक और है बाऊ बातचीत हो कौन पाई, अपना नंबर काफी प्रयास करे लेकिन बाऊ नंबर मिल कौन पाए और अब तो वो जांच कमेटी बैठ चुकी है, जी आई को निर्णय होगा कमेटी को कौन दोषी पाया जाए कौन को नहीं पाया जाए। एक वीडियो और लेके आऊंगा और पूरा मामला को खुलासा करने की है कोशिश करूंगा।